नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। यूएलएफए असम और केंद्र सरकार के बीच एमओयू, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ एमओयू। असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा भी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार बने जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जातिगत जनगणना पर देश भर में जन जागरण करेंगे नीतीश कुमार। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मोदी योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री लगाएंगे रामलला को काजल। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन कर की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। श्रीगंगानगर दौरे पर रही डिप्टी सीएम दिया कुमारी, महिला सम्मेलन को किया संबोधित। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अन्न सम्मेलन में की शिरकत, कहा कुपोषण के खात्मे के लिए मिलेट्स को थाली का हिस्सा बनाए। कर्मचारी चयन आयोग ने सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द किया, परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित शिकायत के बाद दिया फैसला। अब 3 मार्च को दोबारा आयोजित होगी परीक्षा। जयपुर के पावटा में एसीबी की कार्रवाई, नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में फाइलों की गहनता से जांच की गई। डिप्टी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने जांच की। नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में पैंथर शावक की संदिग्ध मौत, 4 महीने के शावक की मौत पर वन विभाग ने डाला पर्दा, गुपचुप तरीके से कर दिया अंतिम संस्कार। सिरोही के माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आगाज, शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ शरद महोत्सव, कलाकारों ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में की जनसुनवाई, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने की मुलाकात, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने पर जताया आभार। झुंझुनू के पिलानी में स्टोर पर फायरिंग का विरोध, व्यापार मंडल के आह्वान पर पिलानी बंद, पुलिस ने की बदमाश की पहचान। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री हुआ दर्ज, तो कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में विधायक उमेश मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हुए समाधान की मांग की। डूंगरपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत जिला परिषद सभागार में व्यय पर्यवेक्षक मनोज राजगोपाल असावा की अध्यक्षता में लेखा समाधान की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों ने अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने खजूरी स्कूल में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद 4 महीने से फरार चल रहा था, पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस महानिदेशक की ओर से उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक के नामों की घोषणा की गई है। डूंगरपुर के साइबर थाने के हेड कांस्टेबल नवीन चंद्र को भी उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। साइबर ठग के साथ ही कई गिरोह को पकड़ने पर उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने गीली लकड़ी से भरी एक पिकअप जीप को जब्त किया। पिकअप में भरी लकड़ी के कोई कागजात नहीं मिले, वन विभाग की टीम अब जांच के बाद कार्रवाई करेगी। आरपीएससी द्वारा 2022 की हिंदी विषय के शिक्षकों की भर्ती के परिणाम में टॉप 100 रैंक में बाड़मेर जालौर जिले के 48 शिक्षकों की काउंसलिंग रोकने पर बाड़मेर जिले के चयनित शिक्षकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंजुम ताहिर को ज्ञापन सौंपकर काउंसलिंग में शामिल करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि आरपीएससी द्वारा क्षेत्र विशेष को टारगेट करके हम लोगों को काउंसलिंग से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते बाड़मेर जालौर के चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में लटक रहा है। बूंदी नमाना थाना इलाके के कारजुना नदी की पुलिया पर ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बूंदी जिला अस्पताल में चिकित्सा विभाग के संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को पिछले 2 माह का वेतन नहीं मिला, इससे नाराज कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वेतन दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के डाबी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सांबर ने सीएचसी के निरीक्षण के दौरान कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्डों का अवलोकन भी किया। रावतसर के वार्ड 25 निवासी एक दंपति ने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 दिवस में कार्रवाई न होने पर रावतसर से जयपुर सीएम कार्यालय में पैदल कूच की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि दंपति ने वर्ष 2021 में अपने साथ हुई ठगी का मामला भी दर्ज करवाया था। सायला उपखंड के कोमता से विशाला जाने वाली मुख्य डामर सड़क, उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क रास्ता खस्ताहाल हो चुका है। ग्रामीण मार्ग की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त हेमा राम ने स्वास्थ्य निरीक्षकों की बैठक ली है। बैठक के दौरान सभापति पाठक ने सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यावर के जालिया प्रथम निवासी रजिया बानू ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रजिया की मौत के बाद उसके पीहर पक्ष के लोगों ने पति पर उसे तंग परेशान करने और मरने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर आक्रोश जताया। सिरोही जिले के आबू रोड रीको पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई करोड़ों रुपए की अवैध शराब के जखीरे पर बुलडोजर जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस और आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ उपखंड मुख्यालय पहुंची धोली मीणा। जमवा रामगढ़ पहुंचने पर धोली मीणा का भव्य स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। विधायक महेंद्र पाल मीणा और उनकी पत्नी केसर देवी से मुलाकात हुई। कटूमर में दिसंबर के अंतिम दिनों में घनघोर कोहरे के चलते शुक्रवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए और शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया। धुंध और कोहरे ने कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले लिया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में नींदड़ के पास देर रात को एक घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। दमकल के पहुंचने से पहले कार खाक हो चुकी थी। लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालक को नींद की झपकी आने से की वजह से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सीसीटीवी कैमरे में पोल से टकरा गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। सांगनेर में ई रिक्शा चालकों में और व्यापार मंडल सदस्यों के बीच कहासुनी होगी। पार्षद अरुण शर्मा मौके पर पहुंचकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी और ई रिक्शा चालकों के साथ उन्होंने बातचीत की। झुंझुनू के चढ़ावा में शहर के मुख्य सड़क मार्ग पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई है। सामने मकान में जाग होने पर भागे चोर। पुरानी तहसील रोड पर चोरी की घटना हुई है। सीकर के नगर पालिका लोसल और आरडीएस एनजीओ की संयुक्त कार्रवाई में 60 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं। नगर पालिका लोसल ने चाइनीज मांझे और प्लास्टिक कैरी बैग का संयुक्त अभियान चलाकर कस्बे में कई जगह पर दबिश दी। शिक्षा नगरी के रूप में जाने वाले शहर सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर का बड़ा योगदान रहा है। 1952 में शिक्षा नगरी में गांधी विद्या मंदिर ने मीरा निकेतन बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 71 वर्ष बाद 4 जनवरी 2023 को भव्य मधुर मिलन समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात फलौदी के जवान ने नीलामी बोली रद्द होने पर अपनी दुकान जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभापति पार्षदों से गुहार की है कि नीलामी बोली का निर्णय वापस लेकर उसके साथ अन्य बोलीदाताओं को राहत दे। सायला उपखंड के पोषाणा और देता कल्ला ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम तहसीलदार हीर सिंह चारण, जिला परिषद सदस्य रमेश राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय सिंह दादाल, पूर्व उप प्रधान नरपत सिंह की उपस्थिति में आयोजन हुआ। पंजाब की खुईयां सरवर थाना पुलिस ने गुमजाल नाकाबंदी के दौरान महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 8,000 नशीली गोलियों को बरामद किया गया है। तस्कर नशीली गोलियों की को श्रीगंगानगर से पंजाब लेकर जा रही थी। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त पवित्र अयोध्या धाम के निमंत्रण के लिए आए हुए अक्षत कलश का वितरण कार्यक्रम हुआ। शोभा यात्रा के द्वारा सभी बस्तियों में अक्षत कलश ले जाया गया। ब्यावर में स्वतंत्रता सेनानी गरीबों एवं श्रमिकों के मसीहा और ब्यावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय स्वामी कुमारानंद की 51वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। शुक्रवार को ब्यावर के मेल रोड स्थित टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम दौरान श्रमिक नेताओं ने अपने मसीहा को नमन करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रियाबड़ी में मिर्ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुन एक दो दिन में समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और कस्बे वासियों द्वारा विधायक कलरू का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। भवानी मंडी में बीती रात को सड़क पर खड़ी कार में पीछे की ओर से आ रही दूसरी कार जा घुसी, जिसके बाद दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती सप्ताह के तहत सुशासन सप्ताह के दौरान झालावाड़ जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और प्रमुख चौराहों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। एबीवीपी बकानी अकलेरा द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
उदयपुर झाड़ोल उपखंड के बिछीवाड़ा और जेतावाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने ग्रामीणों को शिविर में भाग लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। चित्तौड़गढ़ जंक्शन के प्लेटफार्म पर इन दिनों आवारा सांडों का जमावड़ा है। प्लेटफार्म पर आए दिन यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्री किससे शिकायत करें क्योंकि स्टेशन पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। जम्मू शहर में नगर परिषद प्रशासन इन दिनों शहर को अतिक्रमण मुक्त और साफ सुथरा बनाने में जुटा हुआ है। एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सिकराय एसडीएम कार्यालय पर भारतीय किसान संघ के द्वारा 15 दिन से ईआरसीपी परियोजना की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान। विधायक विक्रम बंशीवाल और पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा ने किसानों को माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान दर्जनों किसान मौजूद रहे। निजी शिक्षण संचालक शिवरा आदेश और जिला शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के आदेश की नहीं कर रहे पालना। कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को अध्ययन करने के लिए बुला रहे हैं विद्यालय। इंडियन ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा जयपुर से आयोजित महाराणा प्रताप नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बड़ की ढाणी गुड़ा गौरजी के दो सगे भाइयों ने मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लव चौधरी पुत्र नरेंद्र कसवा ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं छोटे भाई अमन ने सिल्वर मेडल जीता है। मेडल जीतने पर गांव में खुशी की लहर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा कठुमर। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत कर पूजन किया। महवा में सरकारी अस्पताल परिसर में बनवाए जा रहे लगभग 2.5 करोड़ के भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर विधायक राजेंद्र मीणा अस्पताल परिसर में पहुंचे, कार्य का निरीक्षण किया और वहां मौजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में सर्दी और धुंध का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को भी पूरा इलाका धुंध की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। विधायक बनने के बाद पहली बार आमजन आगमन पर ग्रामीण पलक पावड़े बिछाकर स्वागत उनका कर रहे हैं। मेरा पाली मेरा सहयोग जागरूकता अभियान संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने अभियान के तहत पाली शहर में साफ सफाई सड़कों के सौंदर्यीकरण और सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। पाली के देसूरी में चाय दुकानदार से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर दी। नाड़ोल के ऋषिकेश्वर महादेव चौराहे के पास चाय दुकानदार से मारपीट की गई है। दुकानदार भीमाराम और जीवाराम पुत्र पिता दोनों घायल हो गए। खीवसर उपखंड मुख्यालय के अधिवक्ता संघ कार्यालय में अधिवक्ता संघ के चुनाव करवाए गए हैं, जिसमें अधिवक्ताओं के सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर एडवोकेट शिवराज भाटी और सचिव पद पर लाल सिंह राठौड़ को चुना गया है। ईकेवाईसी से जुड़े उमड़े के लिए उमड़े गैस उपभोक्ता, गैस एजेंसियों पर उमड़ी भीड़। गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी। चीपा बड़ौद वन विभाग ने वन खंड झंझनी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। नयापुरा गांव से 30 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही तार फेसिंग हटाकर जेसीबी की सहायता से पक्की दीवार को भी ध्वस्त किया गया है। अंता विधायक ने गांव को स्वच्छ बनाने का जिम्मा उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विधायक कंवरलाल मीणा सख्त हुए हैं। बाइक चलाकर गांव की साफ सफाई का जायजा लिया। राजसमंद जिले के लवाणा में एक दिवसीय जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 4 जनवरी से बाड़मेर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 16 टीमें और महिला वर्ग की 6 टीमें भाग ले रही हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में के बूढ़ निवासी टेंट वाले से हुई लूट। फिलहाल गंगरार थाना पुलिस ने पीड़ित रतन रेंगर से रिपोर्ट लेकर जांच भी शुरू कर दी है। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही प्रशासन की कार्यशैली भी धीरे धीरे बदलने लगी है। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के नंदावट गांव में आज प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और सरकारी मशीन जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रतापगढ़ के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच की ओर से जिले के ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। डूगरपुर में सहारा संजीवनी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित अन्य संस्थाओं को धन को दोगुना कर लोगों से ठगी का यह मामला है। पीड़ित परिवारों ने आज सीमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर आज सागवाड़ा में सुशासन दिवस पर पालिका द्वारा चलाया विशेष स्वच्छता अभियान। इसी अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकायों में अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने विशेष धरपकड़ अभियान में मुखबिर तंत्र की सक्रियता से सोने का गुर्जा गांव के पास जंगल में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने हत्या के प्रयास के 6 आरोपियों को दबोचा है।
अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते साड़ियों के गोदाम में अचानक से आग लग गई। गोदाम में आग लगने पर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोहरे ने रोकी आमजन की जीवन की रफ्तार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, सर्दी का असर भी बढ़ रहा है। शेरगढ़ में कल गुरुवार को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत समिति परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस। शेरगढ़ प्रधान श्रवण सिंह जोधा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट का मामला है। घायल युवक को बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा युवक का उपचार किया गया है। नागौर में अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार नागौर पुलिस ने अभियान के दूसरे दिन 79 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अकलेरा कस्बे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए कुछ लोगों द्वारा चाइनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को राम मंदिर अयोध्या आए पूजित अक्षत का थोबावाड़ा में भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूजित अक्षत का कस्बे के हनुमान चौक में भव्य स्वागत किया। उदयपुर के गोगुंदा से खबर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के गोगुंदा दौरे को लेकर अपडेट बाद में ये आया है कि सभा स्थल को लेकर तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हैं। सभा स्थल को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुख्यात भूमाफिया एवं फिरौतीबाज जानशेर खान के खिलाफ एसपी अमित कुमार ने शिकंजा कस दिया है। एसपी ने इस भूमाफिया की 30 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित कर संयुक्त निदेशक इनकम टैक्स एवं प्रतापगढ़ कलेक्टर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। जानशेर के खिलाफ लोगों को डरा धमकाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने और फिरौती वसूलने के प्रकरण दर्ज है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 12 वर्षों से मादक पदार्थ तस्करी में फरार चल रहे पंजाब पुलिस के वांछित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 10 लाख रुपए की अफीम के तस्करी के मामले में यह फरार चल रहा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन भी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बदमाशों की धरपकड़ जारी है। विभिन्न थानों की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 69 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 13 वाहनों को जब्त किया है। डीडवाना जिला मुख्यालय के कुचामन रोड पर स्थित एक सिटी मॉल के नजदीक एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक मोटरसाइकिल सवार को काफी दूर तक घसीट कर ले गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार का पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वहीं कार चालक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में तोर गांव के पास ट्रॉले की चपेट में आने से एक साइकिल सवार मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा के बजरंग मैदान में कल से शुरू होने वाली श्रीमद भागवत कथा को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर से रवाना होकर बजरंग मैदान पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व मंत्री अमरा राम चौधरी शामिल हुए। कल्याणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कांकराला और सुरपुरा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया गया। विकसित भारत बनाने के संकल्प की ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। कल्याणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कांकराला और सुरपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन हुआ। समदड़ी स्टेशन में भीड़ उमड़ी। समदड़ी स्टेशन कस्बे में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले देश भर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर के सांगानेर में गुलमोहर आवासीय योजना वाटिका में अयोध्या से आए अक्षत कलश की लोगों ने पूजा अर्चना की है। कॉलोनी में निकाली शोभा यात्रा। जिला कलेक्टर बचनेश कुमार अग्रवाल की संवेदनशीलता एक बार फिर से दिखाई दी है, जब उन्होंने चिड़ावा पंचायत समिति के गोवला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की निवासी 80 वर्षीय वृद्ध रमाबाई ने जिला कलेक्टर के सामने रहने की छत नहीं होने की पीड़ा बताई। बाड़मेर रेलवे महिला कर्मचारी को अश्लील मैसेज और फोन पर परेशान करने वाले एक शातिर अपराधी को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा है। अनूपगढ़ से खबर है, मृतक सुभाष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक सुभाष के सिर में चोट के निशान मिले हैं। डीडवाना शहर में 67वीं राष्ट्रीय स्कूली बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्जुन राम ढूकिया ने ये कहा, छत्तीसगढ़ में संस्कृति और मौसम दोनों राजस्थान से भिन्न मिलेंगे, ऐसे में खिलाड़ियों को ज्यादा सतर्क रहना होगा।
उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने रजोल में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। थानाधिकारी गणपत सिंह और उनकी टीम ने महज 24 घंटे के भीतर दो सगे भाइयों समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एच एल ताबियार तलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के बाहर ओपीडी काउंटर पर पर्ची काटने को लेकर जानकारी दी। टप्पूगढ़ा थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे रोड पर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। बारा कोतवाली पुलिस ने अवैध गतिविधि और अवांछनीय अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत शहर के कोटा रोड ओवर ब्रिज के नीचे मेला ग्राउंड में क्षेत्र में कार्रवाई की है। यूं तो किसी जगह का विकास होता है तो वहां रोजगार बढ़ता है, लेकिन केलवाड़ा कस्बे को नगर पालिका बनाए जाने के बाद बेरोजगार हुए करीब 5,000 मजदूर अब मजदूरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। केलवाड़ा और दांता दो ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पालिका बना दिया। नगर पालिका बनने से दोनों ग्राम पंचायतों में चल रही नरेगा योजना बंद हो गई।